अभी हम सुन रहे थे जनाब हसन काजमी को, और अब मैं गुजारिश करता हूँ अपने भाई टेलीविजन, अदब, शायरी, सहाफत, इस तमाम सलाहियतों के मालिक जनाब मोइन शादाब तशरीफ लाएं और अपनी शगुफ्ता और शादाब शायरी से हम सबको ताज़ा दम करें। जनाब मोइन शादाब, बहुत खूबसूरत महफिल, खासतौर से मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा उन लोगों को के जिन्होंने इस मुशायरे की फहरिस्त बनाई, इसलिए नहीं कि मेरा नाम इसमें शामिल है, बल्कि हिंदुस्तान का जो मौजूदा शेरी मंजरनामा है उसकी एक आइडियल फहरिस्त क्या हो सकती है, उसका सबूत आज की फहरिस्त है। सिर्फ दो चार नाम कम है, वो हर मुशायरे में हो भी नहीं सकते हैं। बड़ी आइडियल फहरिस्त, बड़ा फख्र का एहसास हो रहा है इन लोगों के दरमियान शायरी रचना के लिए। गुलजार साहब, वसीम बरेलवी साहब, ये बेगर साहब के जश्न में शामिल हैं, अजीम लोग हैं, उदय प्रताप सिंह साहब या तशरीफ फरमा है। बहरहाल मैं चंद शेरों से आपकी खिदमत करूँगा। पांच शेरों वाला मसला तो खत्म तकरीबन हो गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे। एक दुश्वारी ये होती है जब शेरों पर तादाद की कैद लगाई जाती है तो लोग शेर गिनने लगते हैं, सुनते हैं। भाई ये है कि मुख्तसर पढ़ें एक डेढ़ गज़ल तो उसमें आप सुन भी सकेंगे, तो एक आशीर ज़्यादा या कम रह जाए तो उसका ख्याल ना करिएगा। मैं मतलब पेश करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि मुंदमिल दिल का हर एक जख्म हुआ जाता है, कि मुंदमिल दिल का हर एक जख्म हुआ जाता है, यही सरमाया था जो खत्म हुआ जाता है। कि मुंदमिल दिल का हर एक जख्म हुआ जाता है, यही सरमाया था जो खत्म हुआ जाता है। बहुत शुक्रिया। यही सरमाया था जो खत्म हुआ जाता है। एक मतला और पेश करता हूँ, अर्ज करता हूँ मुअज्जम भाई मुलाहिज़ा करें, बहुत दिनों में आपको शेर सुनाने का मौका मिला है, 20-22 साल बाद मैं पेश करता हूँ मतला के। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। एक मतला और पेश करता हूँ कि तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, कि तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, हमने बादल देख के मटके तोड़ लिए थे। तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे, हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे। कोई मंजर हो ये खुश रंग पहलू ढूंढ लेती है, कि कोई मंजर हो ये खुश रंग पहलू ढूंढ लेती है, मोहब्बत तो पसीने में भी खुशबू ढूंढ लेती है। कि कोई मंजर हो ये खुश रंग पहलू ढूंढ लेती है, मोहब्बत तो पसीने में भी खुशबू ढूंढ लेती है। आखिरी दो शेर मिश्रा जी या तशरीफ फरमा या सब कर्म फरमा पेश करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ कि कोई मंजर हो ये खुश रंग पहलू ढूंढ लेती है, मोहब्बत तो पसीने में भी खुशबू ढूंढ लेती है। और आखिरी दो शेर फिर आपकी जहमतें तमाम हो जाएंगी, पेश करता हूँ कि दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए, दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए, खुल के रोलू जो मुझे भी कोई शाना मिल जाए, खुल के रोलू जो मुझे भी कोई शाना मिल जाए, दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए। और शेर आप सबकी नजर के उसके पूछे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन, कि उसके पूछे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन, कहीं ऐसा ना हो रस्ते में जमाना मिल जाए। बहुत शुक्रिया। दर्द को दिल से निकलने का बहाना मिल जाए, खुल के रोलू जो मुझे भी कोई शाना मिल जाए, और उसके पूछे की तरफ चल तो दिए हैं लेकिन, कहीं ऐसा ना हो रस्ते में जमाना मिल जाए। बहुत शुक्रिया।